अब खबर जांजगीर से। जांजगीर चंपा जिले के जांजगीर थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट चौक में 19 जून की रात हुई चाकूबाजी की घटना के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी में 2 नाबालिग शामिल हैं, जिन्हें बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेजा गया है। वही युवक को जिला जेल जांजगीर दाखिल कर दिया गया है। चाकूबाजी में संलिप्त एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जांजगीर थाना प्रभारी उमेश साहू के मुताबिक 16 जून को रात कलेक्ट्रेट चौक में चाकूबाजी घटना हुई थी, जिसमें लव डोगरे पर चाकू की जानलेवा हमला का दावा किया गया था। घायल इंस्टाग्राम पोस्ट पर आरोपी करते थे अनावश्यक कमेंट। दुश्मनी के आगे दोनों तरफ लगी हुई थी और 16 जून की शाम को ही बहस और विवाद जारी रहा, जिसके बाद कलेक्ट्रेट चौक के पास दोनों पक्ष इकट्ठा हुए और जमकर मारपीट हुई। इस बीच आरोपी निखिल गुप्ता, प्रांजल यादव और उनके 2 अन्य नाबालिग साथियों ने लव डोंगरे को दबोच लिया और चाकू से हमला कर दिया। लव डोंगरे गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी इलाज अभी तक जारी है। बीते दिनों कलेक्ट्रेट तिराहा के पास चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की लगातार पताताजी किया जा रहा था। पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। विवेचना दौरान उसमें से 2 लोग अपचारी बालक होना ज्ञात हुआ है, जबकि 1 वयस्क अपराधी है। 2 अपचारी बालक को बाल संरक्षण गृह कोरबा एवं 1 वयस्क आरोपी को जिला जेल जांजगीर भेजा गया है। मामले में अपचारी बालक द्वारा प्रयुक्त चाकू